इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय पहुंचे। सपा बीजेपी का सोशल मीडिया विवाद और बड़ा, सपा के ट्विटर से मिली जानकारी। सपा सोशल मीडिया के एडमिन मनीष अग्रवाल गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में डीजीपी मुख्यालय पहुंचे अखिलेश। अखिलेश यादव के साथ कई सपा नेता भी मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां सोशल मीडिया विवाद जो है बीजेपी सपा के बीच काफी ज्यादा चर्चित रहा है बीते दिनों, और उसी के साथ जो है सपा के सोशल मीडिया एडमिन मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के विरोध में डीजीपी मुख्यालय पर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, साथ ही इनके साथ। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, सपा और बीजेपी का जो सोशल मीडिया वाला जो युद्ध हमने देखा बीते दिनों, और उसी के चलते जो है आज सपा के सोशल मीडिया जो हैंडल करते थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसी के विरोध में अखिलेश यादव डीजीपी मुख्यालय पहुंचे, क्या कुछ है पूरी जानकारी इस मुद्दे से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही फरवरी प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई गई थी कि जो समाजवादी पार्टी का जो टीचर है हैंडल, उस पर जो है हजरतगंज पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उससे तमाम तरीके की जो आपत्ति जो है सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसकी है, और ये कह लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी जिस तरीके से लगातार वाद से वाद जो है ट्विटर के माध्यम से कर रही थी, उस पर आज एक बड़ी कार्रवाई जो हमने मिली है, जहाँ हजरतगंज पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उसके संचालक को आज गिरफ्तार किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे हैं, और वहां अभी काफी देर से पहले की अगर बात करें तो कुछ घंटे हुए हैं अखिलेश यादव को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है, साथ ही जो समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल के जो उनको गिरफ्तार किया गया उनको रिहा करने की बात कही। उसके बाद अगर हम आपको अभी की अगर तस्वीरें बताएं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जो बीजेपी मुख्यालय वहां पर बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये जो है इस तरीके से ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का जो मामला था वो अगर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हजरतगंज कोतवाली में 3 मामले पहले से ही दर्ज है। कार्यकर्ता मनीष जगन को जो है सोशल मीडिया के जो हैंडल देख रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी मुख्यालय के बाहर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसे कुल मिलाकर कहा जा सकता है अब सोशल मीडिया घमासान जो था उसने तुल पकड़ ली है, और आगे भी और जो है कार्रवाई इस पर हो सकती है। जी देखिए, पिछले काफी समय से जो है चल रहा था, जिसके बाद आज जब समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है जो थे मनीष जगन अग्रवाल, उनको जब आज हजरतगंज पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, उसके ठीक उसी देर बाद सपा अखिलेश यादव जो है डीजीपी मुख्यालय पर पहुंचे हैं, और वहां पर जो है काफी देर से अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है उन्होंने जानकारी दी कि हम डीजीपी मुख्यालय पर पहुंचे, लेकिन यहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं। तो कह सकते हैं कि पूरा मामला जैसे ही अखिलेश यादव वहां डीजीपी मुख्यालय पर पहुंचते हैं उसके बाद ही पूरा मामला जिस तरीके से गरमाया है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है डीजीपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल से मनीष जगन है उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा मामला अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल के से जो वार चल रहे थे, अभद्र टिप्पणी का जो मामला चल रहा है, तो वो गरमाता नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहाँ जो है बीजेपी का सोशल मीडिया विवाद, सपा और बीजेपी का सोशल मीडिया विवाद जो है अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। सपा के ट्विटर से इस बात की जानकारी मिली है। सपा सोशल मीडिया के एडमिन मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसी के विरोध में अखिलेश यादव मुख्यालय पहुंचे हैं, और लगातार सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।